जी कैसे हो सभा मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत जॉन से ऐसे एस नगर मोहाली खरड़ में मैं आपके लिए इंडिपेंडेंट हाउस लेकर आया हूँ ये इंडिपेंडेंट हाउस हमारे हंड्रेड गज में बने हुए हैं ये फोर्टी सेवन लाख नाइन्टी थाउजेंड प्राइज रहेगा ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग अवेलेबलिटी है रेडी टू मूव में ये टू गेटर सोसाइटी रहेगी साढ़े एकड़ में जैसे गेट नंबर एक पे थर्टी फोर विलास बने हुए हैं गेट नंबर दो पे भी थर्टी फोर बने हुए हैं सिक्सटी एट विलाज है आगे सोसाइटी की थर्टीन शॉप्स हैं जो रेडी हैं बिल्कुल ये टू गेटेड सोसाइटी इन एंड आउट गेट नंबर एक से और गेट नंबर दो से चौंतीस चौंतीस विला के लिए रहेगा बैक पे सोसाइटी का कॉमन पार्क आ जाएगा रेडी टू मूव में हमारा प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं एंड रेडी टू मूव में जैसे ये गेट नंबर एक विजिट कराया मैंने अभी आपको गेट नंबर दो भी दिखाता हूँ उसके बाद सोसाइटी का जो हमारा सॉरी विला का जो सैंपल बना हुआ है वो मैं आपको अंदर से विजिट कराऊंगा आपने वीडियो के लास्ट तक जाना और मेरी तरफ से गुड विशिज़ है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले आपने अपने लिए रहने के लिए अच्छा हाउस लेना है तो आपने दो ही चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी है एक तो रेडी टू मूव में हो एक एक फैमिलीज रहती हूँ रोड टू साइट वहीकल डिस्टेंस जब आप आओगे उस टाइम पे पता लग जाएगा मटेरियल सारी चीज़ें आप खुद देख के ही क्लियर कर पाओगे ये खरड़ बस स्टैंड टू सिविल हॉस्पिटल रोड पे प्रोजेक्ट है लुध्याणा रोड पे ये प्रोजेक्ट रहेगा अपना और यहाँ पे ये कमेटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है एच से अप्रूवड है सारे नेशनलाइज बैंक यहाँ पर लोन करते हैं फोर्टी लाख तक फंडिंग हो जाती है सैतालीस लाख नब्बे हज़ार इसका प्राइस रहेगा बाकी ऑन टेबल थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा एक बार मैं सोसाइटी का पार्क दोबारा विजिट करा देता तो हूँ जैसे यहाँ पे रैंप बना हुआ है एज एट इज ही रैम्प गेट नंबर दो पे गेट नंबर दो का रैंप उतरा हुआ है पार्क के लिए ये सोसाइटी का कॉमन पार्क है यहाँ पे आप फंक्शन कर सकते हो सोसाइटी के जैसा भी आपको ठीक रहे जैसे यहाँ पे भी हम झूले और जिम वाले झूले और बच्चों के लिए लगाने लगे थे पर सोसाइटी ने मना कर दिया बोलते हैं कि फंक्शन करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे फंक्शन भी कर सकते हैं योगा भी कर सकते हो आप रनिंग भी कर सकते हो बहुत स्पेशियस है पार्क अपनी एक एकड़ में पार्क है ढाई एकड़ में अपना प्रोजेक्ट है मैं आपको गेट नंबर दो दिखाता हूँ ये गेट नंबर दो है हमारा गेट नंबर टू है यहाँ पे भी एज ए टीजी गेट बना हुआ है बाहर ये गेटेड सोसाइटी प्रॉपर गेटेड टाउनशिप है लेफ्ट पे वॉल है राइट पे भी वॉल है और बैक साइड पे भी वॉल है जहाँ पे पार्क है इन आउट यहीं से रहेंगे ये देखो हमारे सारे रे टू मूव में है। अभी कस्टमर की पोजेस्ने चल रही है ये हमारी वेस्ट फेसिंग है सामने ईस्ट फेसिंग है अवेलेबलिटी दोनों में रहेगी इलेक्ट्रिक हॉदी बीच में है रेन की हॉदी है ये सीवरेज की बड़ी होती है ये छोटी होती है कमिटी के साथ अटैच है सीवरेज रेन वाटर स्टोन वाटर पानी भी जो फ्रेश वाटर है वो भी कमेटी से आता है पर हमने अपने बोर कर रखे हैं रेडी टू मूव में वन मंथ पोजेशन है जैसे मैं आपको एक बार विजिट कराता हूँ अंदर से सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी कैसा साइज़ रहेगा बेडरूम्स का ड्राइंग रूम वॉलर किचन कैसे बने हुए हैं सारी चीज़ें ये फ्रंट एलिवेशन पे तो टाइल वर्क है स्टील ग्रिल ग्लास वर्क रहेगा ऊपर सारा बाहर जो थोड़ा बहुत पेंट का एरिया यहाँ पे प्लास्टिक पेंट हुआ हुआ है एशियन का अंदर रॉयल पेंट है मैं एक बार आपको सैम्पल दे हमारा सैंपल है ये मेन एंट्रेंस पे ही यहाँ पे आप जैसे टू व्हीलर आराम से दो तीन के करीब यहाँ पे खड़े कर सकते हो स्पेशियस एरिया यहाँ पे गार्डन भी बना सकते हो जैसे रेडीमेड घास आती है उसके साथ और ये पैंतीस फिट का रोड है विद पार्किंग है साढ़े चौबीस फ्रंट है इसका तो आराम से दो गाड़ी खड़ी हो जाती है साढ़े चौबीस बाई साढ़े छत्तीस है हंडड़गज में ये अपनी मेन एंट्रेंस है ये स्पेशियस हमारा ड्राइंग रूम रहेगा बहुत स्पेशियस है एज एटी जी सीलिंग मिलेगी आपको इसमें फर्नीचर बेड सोफे वगैरह नहीं मिलेंगे जैसे कर्टन वगैरह पंखे ये चीजें बीच में नहीं मिलेंगी एज आर टी ही मिलेगा और ड्राइंग रूम स्पेशियस ड्राइंग रूम रहेगा यहाँ पे अभी फाइव सीटर सोफ़ा है यहाँ पे आप सेवन सीटर सोफ़ा भी लगा सकते हो स्पेशियस है जगह बहुत है हमारे पास लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आराम से सेवन सीटर लग जाएगा अभी फ़ाइव सीटर लगाया हुआ हमने फ़ोर सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल है सिक्स सीटर भी लगा सकते हो आप स्पेशियस है जगह बिल्कुल साथ में इसके मॉलर किचन है आपको एजआर इज ही मिलेगी सीलिंग आपको मिलेगी, जैगुआर की टैब्स और आपको इज मिलेंगी नीचे वाली मॉलर किचन और ऊपर वाली मॉलर किचन में जेग्वार की टैब्स ही हैं ग्रेनाइट आपको एजट इज मिलेगा अंदर भी सरमाई का वर्क है सरमाइके में कोई चेंज नहीं मिलेगी अभी रेडी टू मूव है पहले हमने ऑप्शन रखी हुई थी कलर में भी ऑप्शन रखी हुई थी सरमाइके में भी ऑप्शन रखी हुई थी मॉलर किचन में बेडरूम्स में अभी आपको एज ए टी जी मिलेंगे साथ में आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम आपको एज ए टी जी मिलेगा सीलिंग आपको एज एट ईज मिलेगी बेडरूम के साथ ही जो अटैच वॉशरूम है दो बाय चार की वॉल टाइल है जैगवार की बाथ फिटिंग है इसमें सीलिंग का वर्क है जो वॉशरूम तक हो रखा है जी एजआर टी जी मिलेगी आपको ये सारी वॉल हैंगिंग सीटे हैं जैगवार की जैगवार का ही शंक है जैगवार की ही टैब है बेडरूम स्पेशियस है पूरा और साढ़े तेरह बाय साढ़े ग्यारह का बेडरूम का साइज रहेगा कबड़ है दो फिट के वो अलग से हैं ये स्लाइडर है कबड़ अभी इसमें ग्लॉसी का मिलेगा वाइट बीच में टीक की पट्टी मिलेगी वो, वो सबसे अच्छा लगता है एल पैनल आपको एजआर टी जी मिलेगा सीलिंग जैसे मैंने बताया कलर आपको मिलेगा सेकेंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम स्पेशियस है बहुत दो बाय चार की वॉल टाइल है जेगोर की बाथ फिटिंग रहेगी यहाँ पे जो कजारिया की वॉल टाइल है उसका डिजाइन लग है और मटेरियल सेम ही रहेगा बेडरूम में सेम ही डिज़ाइन के कवर्ड है इधर भी और जैसे मैंने सरमाइकी के बारे में बताया पहले तीन कलर ऑप्शन देते थे अभी रेड टू मूव में तो हमने खुद से ही चूज़ कर लिया है वाइट क्लॉसी सरमाइका बीच में टीक की पट्टी वाला एलसीडी पैनल आपको एज एट इज मिल जाएगा अंदर भी इसके सरमाइका वर्क है उधर वाले बेडरूम में भी सरमाइका वर्क है इधर वाले बेडरूम में भी स्पेशियस है ऊपर भी स्लाइडर है नीचे भी आप खोल सकते हो बैक साइड पर वॉशिंग एरिया आ जाता है जो स्पेशियस है बहुत वॉशरूम के साथ ये वॉशरूम की विंडो का साइज़ बहुत स्पेशियस है यहाँ पे अगर लाइट वगैरह चली जाए कोई ऐसी दिक्कत है तो मतलब जो रोशनी है वो अंदर बाहर आराम से जाएगी मैट यहाँ पे हमने ग्लास लगाए हुए हैं ये बेडरूम की विंडो वेंटिलेशन है वाशरूम की बेडरूम की विंडो वॉशरूम की विंडो है बालकनी बैक साइड पे हमने जैसे स्प्लिट टे की प्रोविजन है बैक पे निकाली हुई है नीचे वाले ड्राइंग रूम ऊपर वाले ड्राइंग रूम की हमने टॉप पे निकाली हुई है ऊपर वाले बेडरूम के भी मतलब तीनों बेडरूम में दोनों ड्राइंग रूम में, में स्प्लिट एसी की प्रोविजन हमने दी नहीं है अंडरग्राउंड ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर अभी मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूं विला का यहाँ पे स्टेयर में भी सारा स्टील का ही वर्क है फ्रंट पे भी स्टील ग्रिल ग्लास वर्क है जैसे मैंने बताया था ऊपर नीचे पैंतीस फिट का रोड है विद पार्किंग है सोसाइटी में ये ग्रेनाइट है सारा कार पार्किंग को माइंड में रख के नहीं चलते मिला के गज में कार पार्किंग आपको पता है कहाँ आएगी गेटेड में बाहर ही होती है ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम है सर्च करो बेस्ट प्रॉपर्टी मिले अगर पाँच छः चीज़ें विजिट करोगे तभी आप चूज़ कर पाओगे लाख रुपया बंदा लगाता है जॉब करता है ऑब्वियसली हर बंदे हमारे पास जो जो कस्टमर आते हैं उनकी कम से कम भी नाइन्टी परसेंट फंडिंग ही होती है अगर कम से कम गवर्नमेंट बैंक से भी आप करवाते हो हमारे चलो ग्यारह बैंकों से अप्रूवड है सारे नेशनल बैंक करते हैं कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कराते हो तभी भी तब भी आपको जो पेमेंट है वो आपको डबल के थोड़ा सा नीचे देनी पड़ती है अगर मान लो चालीस लाख लेते हो तो तीस पैंतीस लाख रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका कोई बंदा तीस साल का कराता है पंद्रह साल का चलो वो अलग बात है जो सेविंग करके एप्लीकेशन दे के हम लोन को साथ के साथ पेमेंट सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ख़त्म करते रहते हैं बंदे बीस का साल का लोन दस साल में भी क्लियर कर लेते हैं पर है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना अगर कर ली है तो दस बीस साल बंदा हिल नहीं सकता उस वहाँ से तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी ये स्पेसियड ड्राइंग रूम है साथ में मॉलर किचन है छोटी सी आपने अपना अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है देख के हमारे पास कहीं पे भी सीलिंग आपको एज एट इज मिल जाएगी और ये बेडरूम है बहुत स्पेशियस है बेडरूम ये नीचे वाला ड्राइंग रूम का साइज है अटैच वॉशरूम रहेगा दो तो बाय चार की वॉल टाइल रहेगी जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सब के ऊपर पॉलिश वर्क है सबके ऊपर कहीं पे पेंट वगैरह वर्क है ही नहीं है ये भी स्पेशियस है अपना वॉशरूम बेडरूम है ड्राइंग रूम, भी है, रूम में भी सीलिंग है बेडरूम में भी ये काबड़ है सामने जो यहाँ पे हमारी ग्रिले हैं फ्रंट की मेन जो फ्रंट की चुगाट ये वाली नीचे वाली की और मेन डोर की ऊपर वाली डोर की ये सारी नौ इंची चौड़ी हैं बीच में ये स्टील की है सारी ग्रिले लगी हुई और जो हैवल के स्विचेज हैं ग्रेट वाइट हैवल के हेवल की ही वायर है स्प्लिट स्प्लिटेस की जैसे मैंने बताया तीनों बेडरूम्स में दोनों ड्राइंग रूम में मिल जाएंगी बैक साइड पे स्पेशियस एरिया आ जाता है यहाँ पे आप टू बी के भी बना सकते हो दो बेडरूम दो अटैच वॉशरूम प्रविजने हमने अंडरग्राउंड दी हुई हैं यहाँ पे अवेलेबलिटी वेस्ट फेसिंग में भी पड़ी है ये वाली रो तो सारी सेल आउट है जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी भी ला इसके सामने वाले भी बिके हुए हैं ये जो हमारी कम्प्लीटेड है कंप्लीट है गेट नंबर दो की वेस्ट फेसिंग में मिल जाएगा कॉर्नर भी मिल जाएगा नॉन कॉर्नर पड़े हैं बालकनी टू बालकनी बड़ी स्पेस है यहाँ पे जैसे हमने तेईस तेईस नंबर चौबीस नंबर पच्चीस नंबर गेट नंबर दो पे सिक्सटी एट सिक्सटी सेवन सिक्सटी सिक्स नंबर फोर बी के बनाए थे वो भी बिक गए हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे थ्री बी के विलाज ही हैं हमारे एनी टाइम मोस्ट वेलकम है सेवन डेज़ अवेलेबिलिटी है मेरी तरफ से गुड विशीज़ है ज़्यादा से या सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक like, लाइक like करो मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एनी टाइम मोस्ट वेलकम है जब मर्जी आओ और आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे मेरे को उतनी ही खुशी होगी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे पास विजिट ज़रूर कीजिए